दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं और स्नान कर मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल को चढ़ाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शिवरात्रि के दिन व्रत या उपवास करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए लोग शिवरात्रि के दिन व्रत या उपवास रखते हैं। पर आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल और ढीले स्वास्थ्य के कारण वह इस शंका में रहते हैं कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो हमारा व्रत भी पूरा हो जाए और हम स्वस्थ भी रहें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि व्रत पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे शिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, व्रत के दिन आप अनार और संतरे का जूस सेवन कर सकते हैं, इसके सेवन से आपको कमजोरी नहीं होगी। नंबर 2, व्रत के दौरान आप आलू अरबी की सब्जियों को सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 3, शिवरात्रि व्रत के दौरान आप साबुनदाने के खीर को खा सकते हैं। नंबर 4, व्रत के दौरान आप मखाने एवं मूंगफली को देसी घी में फ्राई करके सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 5, व्रत के दौरान आप मीठी चीजें जैसे लौकी का हलवा या गाजर का हलवा खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं शिवरात्रि व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। नंबर 2, व्रत के दौरान चावल एवं गेहूं को आटा न खाएं। नंबर 3, व्रत के दौरान शराब का सेवन बिल्कुल न करें। नंबर 4, व्रत के दौरान सफेद नमक का प्रयोग न करें, बल्कि उसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। नंबर 5, व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि ये तामसिक भोजन होते हैं जो आपके व्रत को खंडित कर देंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।